Good morning, morning stars. How are you all? Hope all are very good and also enjoying your online studies. Dear student, once again I am here with a new video. Today in this video I discuss about that your subject social studies chapter 11 our forest with. So everyone firstly take out your SST book and open your chapter 11. Dear student, today in this video I discuss about that your precious forest. Okay, so everyone read carefully firstly and understand it, and after that solve your exercise in your book and also notes. Let's start students. बच्चों our forest wells. Forest means क्या होता है? जंगल होता है. जंगल जानते हैं ना, जहाँ पर बहुत ही पेड़ पौधे पंछी herbs and many types के वहाँ पर क्या होते हैं, थिंग्स होते हैं, जैसे जो आपको नेचुरली मिलते हैं, लाइक दैट प्लांट्स, लाइक दैट फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रास, हर्ब्स, ओके, वुड. तो ये सारी चीज़ें क्या है, वेल्थ कहलाती है. वेल्थ मीन्स क्या होता है, धन होता है. तो जो जंगल के धन है वो क्या है, यही सारे पेड़ पौधे हैं. ओके, तो आज पढ़ने जा रहे हैं आवर फॉरेस्ट वेल्थ. ओके, तो यहाँ पे जादू है और उनके दो फ्रेंड हैं, आपस में क्या बात करते हैं, कहते हैं आई हैव नेवर सीन द ट्रीज इन दिस प्लेन. तो यहाँ पे जादू कहता है मैंने कभी ट्रीज नहीं देखा है इस प्लेन पे. यहाँ पे बॉय कहता है, फर्स्ट बॉय, मैजिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज ग्रो ऑन डिफरेंट लैंड फॉर्म. कहता है मैजिक, तुम नहीं जानते, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेड़ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंड पर उगते हैं. सो थर्ड फ्रेंड कहते हैं दे ऑल हैव डिफरेंट फीचर्स एंड रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल टू ग्रो. यहाँ पे बताता है थर्ड फ्रेंड कि उनके सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है कि वे किस पेड़ किस लैंड पर कौन से पेड़ उगेंगे और उन्हें कौन से सॉइल की ज़रूरत है. सो ओके क्लास, तो आज हम चैप्टर में कुछ टॉपिक को क्लियर करेंगे. और आपको मैं बता दूं कि हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन. ओके, सेकंड है यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, थर्ड इज़ अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड थर्ड फोर्थ इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. सो फर्स्टली बच्चों स्टार्ट करने से पहले आपको इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है. नेम सम थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज एज रॉ मटेरियल. आपको रॉ मटेरियल के जरिए, रॉ मटेरियल क्या, जो हम नेचुरली जो हम पेड़ से पाते हैं, आपको वे सारे थिंग्स लिखने हैं. ओके, आपको अभी पिक्चर्स में ही कुछ थिंग्स दिख रहे होंगे, तो आपको सारे थिंग्स जो आप पेड़ से पाते हैं, पौधे से मिलता है आपको, उसको आपको लिखना है. यहाँ पे आप एक्टिविटी वर्क राइट करेंगे, नेम लिखेंगे, नेम लिखने के बाद आप क्लास में शो करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट. नेचुरल वेजिटेशन, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन इज द एरिया कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड फॉरेस्ट विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द ह्यूमंस. बेटा नेचुरल वेजिटेशन का मतलब यही होता है कि प्राकृतिक रूप पर पेड़ पौधे जो उगते हैं उन्हीं को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. यहाँ पर कोई भी मनुष्य पेड़ पौधे को लगाता नहीं है, ये अपने आप ही नेचुरल उगते हैं. ओके, ग्रासेस ट्रीज एंड सम सर्व्स एज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. ग्रास मतलब घास जो होते हैं, ट्रीज पेड़ एंड सर्व्स, ये सारे चीज़ें क्या हैं, नेचुरल वेजिटेशन के एग्जाम्पल्स हैं. द प्लांट्स एंड अंडरस्टूडेड बाई द ह्यूमन बींग्स इन देयर ग्रोथ, दे आर कंट्रोल्ड बाई द क्लाइमेट कंडीशन और द पर्टिकुलर एरिया. बेटा और ये वेजिटेशन जो हैं वो कंट्रोल भी किस तरीके से होते हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होते हैं कि जैसा तापमान होगा वैसे वहाँ पे पेड़ होंगे और जैसा एरिया होगा वो वैसे ही वहाँ पर फैलेंगे. ओके, इंडिया हैज़ वेराइड नेचुरल वेजिटेशन ड्यू द वेरिएशन इन सॉइल क्लाइमेट एंड द फिजिकल फीचर्स ऑफ द रीजन. आपको पहले बताया गया है कि बच्चों जो अलग अलग पेड़ होते हैं वो अलग अलग मिट्टी, अलग अलग तापमान और अलग अलग फीचर्स के साथ अलग अलग स्थान पर उगते हैं. द वेजिटेशन फाउंड इन द डिजर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द माउंटेन. और जो बेटा वेजिटेशन है, ओके, ये अलग अलग स्थान पे अलग होते हैं, जैसे डिजर्ट एरियाज पे अलग होंगे और माउंटेन एरियाज पे भी अलग होंगे. ओके, नेचुरल वेजिटेशन इज अ नेचुरल रिसोर्सेज विच इज द रिन्यूएबल टू. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज रिन्यूएबल टू है बिकॉज इसको हम दोबारा इसलिए बना सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल तरीके से ही उगता है.
ओके. नेचुरल वेजिटेशन कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ जंगल. फॉरेस्ट आर मेड अप द बोथ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. बेटा यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि फॉरेस्ट जो है यहाँ पे अपने आप ही बनता है और यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों होते हैं. लिविंग थिंग्स से आप मतलब क्या है कि जंगल में रहने वाले आदिवासी जानवर. ओके. नॉन लिविंग थिंग्स से मतलब क्या है कि ये जो ढेर सारे आपके सब ग्रास, ओके, हर्ब्स, पेड़ पौधे, ये सभी चीज़ें हैं. नेक्स्ट क्या है, लिविंग थिंग इंक्लूड वाइल्ड लाइफ, ट्रीज, फ्लावर्स एंड स्नार ऑर्गेनाइज्म. और नॉन लिविंग थिंग्स कंपोज ऑफ वाटर, रॉक, सन लाइट एंड एयर. ओके. ये फॉर द एग्जांपल आपको बताया गया है कि ये सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं. सो बच्चों आज आपको चैप्टर आवर फॉरेस्ट वेल्थ को पूरा रीड करना है, तो रीडिंग का काम आप स्टार्ट कर दीजिए. फर्स्ट पार्ट जैसे ही वीडियो का बनता है आपको रीडिंग तुरंत करना स्टार्ट कर देना है. आप एक्टिविटी सॉल्व करिए. ओके. और आज नेचुरल वेजिटेशन आपने रीड किया है तो यूजेस ऑफ फॉरेस्ट रीड कर लीजिए, यह आपका रीडिंग वर्क है. एंड नेक्स्ट आपका रिटन वर्क है वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग बच्चों आपको कॉपी में राइट करना है और राइट करने के बाद लर्न करना है. बहुत ही अच्छा वर्ड मीनिंग है जिससे आपको चैप्टर को रीड करने में, समझने में हेल्प मिलेगा. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर टुडे वर्क. ऑल स्टूडेंट एंजॉय योर वीडियो एंड टेक केयर.